हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में देखने वाले हैं MIT ADT जो पुणे में है उसका कंप्लीट कॉलेज व्यू देखने वाले। तो इससे पहले आप नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है MIT ADT में। तो देखते हैं MIT ADT जो पुणे में है। तो ADT यानी कि आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो MIT ADT भी कहते हैं, और ये पुणे में है। तो बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। तो 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एक नया ही कैंपस है, पर काफ़ी शानदार कैंपस ये है। और इंस्टीट्यूट की टाइप की बात करते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये। और कैंपस एरिया की बात करते हैं तो 125 एकर्स का कैंपस है। और लोकेशन की बात कर लेते हैं कहाँ पे, तो लोनी कुंभार जो पुणे महाराष्ट्र में है। तो ये कैंपस है काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो को पूरा देखना, और भी हमने कई सारे कॉलेज रिव्यूज़ बना चुके हैं, तो आईटी पे क्लिक करके या फिर नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर लेना ताकि एक आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह के सारी कॉलेजेस हैं, तो चेकआउट कर लेना। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। और एक मेन इम्पॉर्टेंट, आपने ये जो डोम देखा ही होगा, ये एक MIT ADT का ही डोम है और ये यार लार्जेस्ट डोम वहाँ का है। और ये यार काफ़ी बड़ा डोम और वो है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या टॉप ऑफ द नॉच भी कह सकते हैं। आप जब कैंपस के वीडियो देखोगे या फिर कैंपस में जाओगे, काफ़ी बढ़िया कैंपस है, तो ये भी एक काफ़ी शानदार पॉइंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, फिर बिजनेस एंड मैनेजमेंट के भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के भी है, हेल्थ एंड साइंस एंड फार्मेसी के भी एक दो कोर्सेज हैं, फिर मीडिया एंड जर्नलिज्म के भी कोर्स देखने को मिलेंगे, लॉ के कुछ कोर्सेज़ हैं, डिज़ाइन के कोर्सेज़ हैं, एजुकेशन के हैं, फिर कॉमर्स के कोर्सेज़ हैं, और मरीन या फिर नेवी एकेडमिक के भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी शानदार कोर्सेज यहाँ पे, जैसे कि इकोनॉमिक्स के कोर्सेज़ हैं, गवर्नेंस के कोर्सेज़ हैं, फिर सस्टेनेबल स्टडीज़, फोटोग्राफी, साइंस, न्यू एज कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, जैसे कि बीटेक प्लस एमटेक के इंटीग्रेटेड कोर्स, फिर PhD के कोर्स और लैटरल एंट्री। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि किस तरह के कोर्सेज और क्या उनमें ब्रांचेस अवेलेबल है, तो मैं इसकी लिंक या नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपको डिटेल में जानना है कि किस टाइप के कोर्सेज और क्या है। बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन के बारे में कि किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप बीटेक के लिए एडमिशन लेना चाहते हो और अगर आपकी GEE मेंस में अगर कम परसेंटाइल है, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ये यार काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो एक बार ये कॉलेज में भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। तो बात करते हैं बीटेक वालों के लिए कि अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना तो किस तरह से ले सकते हो। MHT SAT भी दे सकते हो, या फिर JEE मेंस या फिर पैरासाइट, इनमें से कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप MTech में एडमिशन लेना चाहते हो तो गेट एग्जामिनेशन आपको देनी पड़ेगी। MBA के लिए बात कर लेते हो तो CAT SAT पैरासाइट, इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन देके आप एडमिशन ले सकते हो। फिर BR की बात करते हो तो MHT SAT या फिर NATA या फिर पैरासाइट। BFF की बात करते हो तो MHASE SAT या फिर पैरासाइट भी देके आप एडमिशन ले सकते हो। MCA के लिए भी है MAH या फिर MCA SAT एग्जामिनेशन होते हैं, वो भी देखिए, या फिर BE डिज़ाइन या फिर MDesign भी करना चाहते हो तो MIT ID DAT एक नाम के एग्जामिनेशन होते हैं, वो भी देखिए आप एडमिशन ले सकते हो। और BA BSc या फिर MA MSc में भी लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, आपको MIT NAT एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। तो ये थी यार सारे मोड ऑफ एडमिशन के बारे में कि किस तरह से आप एडमिशन MIT ADT में ले सकते हो। तो बात कर लेते हैं यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है MIT ADT में। तो अगर आप BE डिज़ाइन कर रहे हो तो 3.92 लाख आपकी फ़ीस हो जाएगी पर ईयर के लिए। और यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी एक बार देख लेते हो, आपको 10+2 एग्जामिनेशन देनी होनी चाहिए। अगर आप BTech के लिए कोर्स में जाना चाहते हो तो आपकी फ़ीस हो जाएगी 1.8 लाख, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10+2 विथ 75% एग्रीगेशन, और आपको JEE मेन्स की एग्जामिनेशन देनी चाहिए। अगर आप ME डिज़ाइन में लेना चाहते हो तो उसकी भी 3.93 लाख की फ़ीस है, और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। BBA की बात करते हैं तो 1.66 लाख आपको फ़ी स्ट्रक्चर है पर ईयर के लिए, और 10+2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप BFA के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी फ़ीस 50,000 के अराउंड होगी, और 10+2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। MBA की बात करते हैं तो 2.9 लाख के अराउंड आपकी हो जाएगी,
और पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और जीमेट की एग्जामिनेशन भी आपको देनी चाहिए। और बीआर की बात करते हैं तो 1.71 लाख के अराउंड हो जाएगी और आपको 10+2 में 50% ऑफ मार्क्स चाहिए और नाटक की एग्जामिनेशन देनी होनी चाहिए तो ही आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बात करते हैं स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया, किस तरह से यहाँ पे क्राइटेरिया, तो स्कॉलरशिप पर ईयर आपको NRM में देखने को मिलेगी ये 60, 50, 40 और 30,000। क्राइटेरिया वन की देख लेते हैं जो GEE परसेंट है, अगर आपके 95 से ज़्यादा है तो 60,000 के अराउंड, 90 to 94.99, 85 to 89.99 और 75 to 84.99। और फिर क्राइटेरिया टू है, अगर आपने पैरासिट एग्जामिनेशन दिया है तो उससे भी कर सकते हो, और उनकी भी यही क्राइटेरिया 98 से ज़्यादा हो तो 60% का स्कॉलरशिप आपको मिल गया, 95 to 97.99 या फिर 90 to 94.99 और 80 to 89.99। और तीसरा एक क्राइटेरिया है वो है सेट परसेंटल, यानी कि 95 से आपके ज़्यादा हो तो 60%, फिर 60 to 94.99, 85 to 89.99 और 75 to 89.99। तो ये पर ईयर फर्स्ट ईयर के दौरान, अगर आपको सेकंड ईयर से अनवर्ड्स कंटिन्यू करना है तो आपको एक सर्टेन CGPA लानी चाहिए, जैसे कि 8.5 समथिंग के अराउंड इस कॉलेज में है। तो अगर आपको 8.5 CGPA नेक्स्ट सेम में आ जाती है तो आप स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगी, वरना आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं होगी। बात करते हैं हॉस्टल्स और मैथ्स के बारे में, तो हॉस्टल्स या वेल मेंटेन हॉस्टल रूम है, काफ़ी अच्छे हैं। फिर वाईफाई फैसिलिटी आपको हर जगह मिलेगी, लॉन्ड्री की फैसिलिटी अवेलेबल है, रिक्रिएशन रूम है और टेलीविजन है, वो सब है तो आराम से चिल और एंजॉय कर सकते हो। फिर हॉस्टल के रूल्स या थोड़े बहुत स्ट्रिक्स है और वो सब भी है, तो एक बार आप हॉस्टल्स के रूल चेकआउट कर लेना। और स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैस फैसिलिटी भी अवेलेबल है और काफ़ी सारे मैस और रेस्टोरेंट आपके कैंपस में, तो आराम से जाके एंजॉय कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते ही इम्पोर्टेंट है, वो है 75% ऑफ अटेंडेंस रूल आपको वहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। और मेन इम्पोर्टेंट, यहाँ का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, काफ़ी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर आप कैंपस विजिट कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे। और फैकल्टी भी यार काफ़ी अच्छी है और रिसर्च वर्क भी थोड़ा वो होता रहता है। और ग्रेट स्पोर्ट्स फैसिलिटी है और ऑन कैंपस इंक्यूबेशन सेंटर है, अगर आपको स्टार्टअप हो वो सब स्टार्ट करना हो तो। लाइब्रेरी भी यार काफ़ी अच्छी है और परसोना जो एक कल्चर फेस्ट वहाँ पे होता है ये भी काफ़ी अच्छा फेस्ट है, और रिसर्च वर्क भी काफ़ी अच्छा होता है, तो अगर आप रिसर्च वर्क वो सब में पार्ट लेना चाहो तो आप अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो ये थी यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये कॉलेज यार काफ़ी बढ़िया है। तो अब देखते हैं प्लेसमेंट क्या है, देखने वाले हैं प्लेसमेंट इस कॉलेज की क्या है। तो यहाँ पर कह सकते हैं यार काफ़ी सारी कंपनीज आती है, और 2005 ही में ये कैंपस बिल्ड हुआ था, थोड़े ही साल इस कैंपस से हुए, पर यह प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे है। हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो 22 लाख पर एनम का पैकेज था, काफ़ी शानदार पैकेज कह सकते हैं। और एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 6.5 लाख पर एनम का पैकेज, और ये एवरेज पैकेज यार काफ़ी अच्छा है। और ये एवरेज पैकेज किस तरह से कैलकुलेट होता है, जो जनरली एक क्लास में जितने स्टूडेंट होते हैं उन लोग को किस प्लेसमेंट मिलती है, कितने पैकेज का प्लेसमेंट उनको लगती है, उन लोग को समेशन करके टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किया जाता है, तो उस हिसाब से एवरेज पैकेज निकलता है। ये सेम ब्रांच वाइज और स्टूडेंट वाइज, यानी कि टोटल ब्रांचेज के लिए भी निकाला जाता है। तो ये थी एवरेज पैकेज, और इंटर्नशिप भी कह सकते हैं ओके है, काफ़ी अच्छी भी कोई बार मिल जाती है, कोई बार ठीक ठाक या फिर डिसेंट से भी इंटर्नशिप मिलती है, और कोई बार या किसी को इंटर्नशिप नहीं भी मिलती। तो ये एक पॉइंट था, और एवरेज पैकेज यहाँ पे देख लिया ये ग्राफ था, और ये एक 22 लाख पर एनम का पैकेज जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट था, और ये जो 28 लाख पर एनम का पैकेज था वो एक ऑफ कैंपस स्टूडेंट को मिला था, तो ये भी काफ़ी अच्छे पॉइंट है। तो देख लेते थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, यानी कि MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन वालों के लिए क्या प्लेसमेंट लगते हैं। तो एवरेज पैकेज की बात करते हैं 9.62 लाख पर एनम, तो यार डिज़ाइन वालों के लिए एवरेज पैकेज काफ़ी शानदार लगता है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो 22 लाख पर एनएम का पैकेज, तो जो रेजर पे ने दिया था काफ़ी शानदार पैकेज है, और ये यार अगर आप डिज़ाइन के लिए करना चाहते हो तो ये इसी इंस्टीट्यूट से ट्राई करना काफ़ी बेस्ट है, और देख भी सकते हैं एवरेज पैकेज काफ़ी शानदार है। अगर MIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एवरेज पैकेज 3.8 लाख पर एनएम का, और ऑप्टेन पैकेज की बात करते हैं तो 9.64 लाख पर एनएम का, जो एक पैकेज ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई थी।
और एक ऑफर जो आई थी एक स्टूडेंट को वो है 18 लाख पर एनम का, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हम कह सकते हैं मैनेजमेंट वालों के लिए। और इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो एवरेज पैकेज के अराउंड 5 लाख पर एनम का पैकेज हो जाता है, और जो एक माइक्रोसॉफ्ट का 13 लाख पर एनम का पैकेज मिला था ऑन कैंपस ये है। और एक काफ़ी बढ़िया जो एक ऑफ़र मिली थी जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुई थी वो है 28 लाख पर एनम का, जो जापानीज थर्ड पार्टी कोई कंपनी थी उन्होंने ये पैकेज दिया था। तो इंजीनियरिंग के भी यार काफ़ी बढ़िया स्टैटिक्स है, तो ये थी यार कंप्लीट स्टैटिक्स। तो ये देख लेते हैं यार कुछ प्लेसमेंट के परसेंटेजेस जो कह सकते हैं कि गारंटेड प्लेसमेंट या है या फिर नहीं है। तो बैचलर्स की बात करते हैं तो 66% के स्टूडेंट को यह प्लेसमेंट मिल जाती है, और मास्टर्स के लिए भी सेम 54% है। 2019 में यार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, 70% को बैचलर्स को यह प्लेसमेंट मिल गई थी और 80% जो मास्टर्स के थे। 2021 में यह काफ़ी ठीक ठाक था, पैंडेमिक वो सब भी था, तो 47% ही बैचलर्स को यह प्लेसमेंट मिली और 74% मास्टर्स को। और 2021 का यह ऑनगोइंग है तो 35% जो बैचलर्स को मिली और 43% मास्टर्स को। तो अब देख लेते हैं यार रिक्रूटमेंट में कि किस तरह से कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी कंपनीज आती है। तो MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 194 कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट करके, ये ऑनगोइंग है तो थोड़ी बहुत इंक्रीज होती रहती है, ये इस साल की कंपनी की रिक्रूटमेंट की स्टैटिक्स है। तो MIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं 126 कंपनीज आती है, फिर MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की 61 कंपनीज, फिर MIT SOFA की 29, MIT ISBJ की 57 से आई है, MANET की 11 कंपनीज आई है, MIT SBR की 6 कंपनी आई है, फिर SOFT की 35 कंपनीज आई है, MIT SOA की 9 कंपनीज आई है, MIT SFT या फिर SOD इनकी यार कंपनी अभी तक नहीं आई है, और MIT SOER की 15 कंपनीज आई है, MIT SVS और MIT VSKA इनकी यार अभी तक कंपनीज नहीं आई है। तो टोटल की बात करते हैं टोटल 522 कंपनीज आ गई है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज आती रहती है पर अभी ऑनगोइंग कैंपस है। तो ये यार 2021 के लेटेस्ट स्टैटिक्स है, आगे अगले साल क्या होते हैं देखते हैं, अगले साल नया कॉलेज रिव्यू बनाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये थी यार कंप्लीट वीडियो, ये कॉलेज यार काफ़ी अच्छा है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो टॉप ऑफ द नॉच है ये कैंपस का, और इनका यार काफ़ी बढ़िया है, शानदार है, और ये नया कैंपस काफ़ी अच्छी तरह से बिल्ड है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मरीन वालों के लिए भी काफ़ी बढ़िया ये कॉलेज है, अगर आप मरीन इंजीनियरिंग, और ये कॉलेज है सभी एस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा है, पुणे में है तो काफ़ी बढ़िया है, और अगर आप नियरबाई सिटी के हो तो काफ़ी आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो ये थी वीडियो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए यार कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।